वेव्स के बारे में अब तक हम काफी हद तक जान चुके हैं कि वेव्स किसी भी मीडियम में ट्रांसफर करती है एनर्जी को, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। अगर हम वेव्स की बात करें तो वेव्स काफी एग्जाम की होती है, साउंड वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आज हम वेव्स के एक ही तरह एक और फिनोमेना को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त फिनोमेना है। लेट्स से कि इस फिनोमेना के लिए हमें ट्यूनिंग फोक चाहिए होता है, और ट्यूनिंग फोक के बारे में आपको मालूम है कि ट्यूनिंग फोक जो है वो एक ऐसा आला है जिससे हम लोग साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स से कि हमारा एक ट्यूनिंग फोक है, जब इसे हम लोग रबर पैड के ऊपर हिट करते हैं, ये हमारा रबर पैड है, जब इसे हम लोग रबर पैड के ऊपर हिट करते हैं तो इसके जो प्रोंग्स हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो ये कंप्रेशनल वेव प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कंप्रेशनल और रेफ्रैक्शन। जब मीडियम की पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा करीब हों तो कंप्रेशनल वेव्स बनती हैं, और जब थोड़ा सा उनमें फासला आना शुरू हो जाए, मतलब वो थोड़े से फासले पर चले जाएँ मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब ना हो, तो रेफ्रैक्शन बनता है, फिर एक कंप्रेशनल आ जाता है और फिर एक रेफ्रैक्शन आ जाता है, और एक कंप्रेशनल और एक रेफ्रैक्शन वाले पूरे पार्ट को हम एक वेवलेंथ या लैम्डा कहते हैं। सिमिलरली ये 2 लैम्डा हो गया। इस तरह से और हमारी जो है साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती चली जाती हैं। आज जो हमें एक्सपेरिमेंट करना है इसमें हम लोगों को 2 ट्यूनिंग फोक्स चाहिए, और दोनों ट्यूनिंग फोक की लगते हैं कि हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रख लेते हैं। लैब में भी जब आप काम करेंगे फिजिक्स की लैब में, तो आप वहाँ पे देखेंगे या आपने हो सकता है देखा भी हो, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फोक इस्तेमाल किए जाते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास ट्यूनिंग फोक ए है, इसकी 256 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, इसे ए कह लेते हैं, और एक कोई और ट्यूनिंग फोक बी है, ये ट्यूनिंग फोक बी है, इसे भी हम लोग किसी ना किसी रबर पैड के साथ हिट करते हैं तो ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है, और इसकी जो वेवलेंथ जो फ्रिक्वेंसी है वेव्स प्रोड्यूस करने की वो 254 हर्ट्ज है। लैब में भी डिफरेंट टाइप के ट्यूनिंग फोक इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी 256 है, 254 है, 340 हो सकती है, 500 की रेंजेस में भी ट्यूनिंग फोक अवेलेबल होते हैं लैब के अंदर। अब हमने काम ये करना है कि ये हमारा ट्यूनिंग फोक ए है, हमने इस ट्यूनिंग फोक को इसके रबर पैक से हिट करना है, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 256 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। एट अ टाइम दूसरे ट्यूनिंग फोक बी को भी एक रबर पैड से हिट करते हैं, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 254 हर्ट्ज है, और ये हमारा ट्यूनिंग फोक बी है, इसको भी एक रबर पैड से हिट करते हैं। मीन्स ये कि दोनों को एट अ टाइम ही हिट किया जाता है, दोनों की सिर्फ फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस आता है, बाकी काम बिल्कुल सेम किया जाता है। इसमें हम लोग टाइम पीरियड को नोट करते हैं और नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो ये ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूस करते हैं उन्हें देखते हैं। जैसे कि हमारा टाइम पीरियड था जीरो, जीरो से हम लोगों ने टाइम पीरियड स्टार्ट किया, जीरो टाइम पीरियड है, इसे इस तरह से लिखना चाहिए कि जब हमारा टाइम पीरियड जो है वह जीरो सेकंड है, बिल्कुल ही कोई टाइम नहीं, और फिर हमारा टाइम पीरियड 1 सेकंड हो जाता है, फिर हमारा टाइम पीरियड 2 सेकंड, फिर टाइम पीरियड जो है वो 3 सेकंड, फिर टाइम पीरियड 4 सेकंड, तकरीबन 4 सेकंड तक हम लोगों ने अपना टाइम पीरियड सेट कर लिया। अब हम लोगों को नंबर ऑफ वाइब्रेशन को भी देखना है। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं जी कि ये हमारी नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ये ए के लिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन फॉर ए, ये ए ट्यूनिंग फोक के लिए, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगी वो ट्यूनिंग फोक बी के लिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन फॉर ट्यूनिंग फोक बी। अब हम लोगों का करना ये है कि हम लोगों ने ये दोनों ट्यूनिंग फोक ले लिए, इनकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, और दोनों को एट अ टाइम ही इन दोनों डिफरेंट रबर पैड के साथ हिट किया, इसको इस रबर पैड के साथ और इसको इस रबर पैड के साथ, तो होगा क्या कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जब हमारा टाइम जीरो है तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती, ना ट्यूनिंग फोक ए कोई वाइब्रेशन देता है और ना ही ट्यूनिंग फोक बी कोई वाइब्रेशन देता है, लेकिन जैसे ही 1 सेकंड गुजरता है, फर्ज कर लीजिए कि ट्यूनिंग फोक ए ने हमें तकरीबन 4 वाइब्रेशन दी हैं, और ट्यूनिंग फोक बी ने उसी वक्त में जब हमने इसे ट्यूनिंग फोक ए को हिट किया, ट्यूनिंग फोक बी को भी हिट करने से हमें 1 सेकंड के अंदर 4 नहीं बल्कि 3.5 वाइब्रेशन मिली हैं। 3.5 और 5 का मतलब ये है कि 4 का मतलब ये हुआ कि 4 का मतलब ये है कि 4 कंप्लीट वेव्स मिली, और 3.5 का मतलब ये है कि 3 का वेव तो कंप्लीट मिली, लेकिन 7 आधी वेव इस तरह से कि जैसे कि अगर ये वेव ए है तो हम कहेंगे ये कंप्लीट एक वेवलेंथ लैम्डा है, लेकिन अगर कोई वेव बी हो वो इस तरह से प्रोड्यूस हो तो हम उसे कहते हैं कि ये तो एक वेवलेंथ हो गई, ये 1 लैम्डा हो गई, और साथ ये एक्स्ट्रा पार्ट जो एक और क्रस्ट आ गया है इसने इसकी वेवलेंथ को जो है एक्सटेंड कर दिया, अब ये 1.5 होगी क्योंकि इसमें अगली वेव का भी आधा हिस्सा शामिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी यही बात है कि यहाँ पर ट्यूनिंग फोक ए ने 4 वाइब्रेशन दी है और ट्यूनिंग फोक बी ने उसी लैम्ब में 3.5 वाइब्रेशन दी है,
उसके बाद हम देखते हैं कि ट्यूनिंग फॉक ए जो है 2 सेकंड जैसे ही गुजरते हैं तो हमारे पास जो ट्यूनिंग फॉक ए है इसमें तकरीबन हमें 8 वाइब्रेशन दी हैं और ट्यूनिंग फॉक बी ने हमें तकरीबन 7 वाइब्रेशन दी हैं। सिमिलरली जब 3 सेकंड गुजरते हैं तो हमारे पास जो ट्यूनिंग फॉक ए है वो तकरीबन हमें 12 वेव्स देता है, 12 वाइब्रेशन देता है और ट्यूनिंग फॉक बी उसी वक्त में 3 सेकंड के अंदर हमें 12 नहीं तकरीबन फर्ज कर लीजिए कि 11.5 उसने वाइब्रेशन शो की हैं। और जब 4 सेकंड गुजरते हैं तो लेट्स से कि ट्यूनिंग फॉक ए से हमारे पास 16 वाइब्रेशन आई हैं और ट्यूनिंग फॉक बी से 16 की बजाय हमारे पास तकरीबन 15 वेव आई हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ट्यूनिंग फॉक ए से भी कुछ वाइब्रेशन आ गई और ट्यूनिंग फॉक बी से भी कुछ वाइब्रेशन आ गई। अब हम लोगों को इनका पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस ये होता है कि अगर आपके पास कोई 2 वेव हैं, लेट्स से कि ये वेव ए है, इसकी वेवलेंथ कंप्लीट 1 लैम्डा है और इसी तरह आपके पास एक और वेवलेंथ है, लेट्स से कि ये वेवलेंथ बी है, ये मतलब बी एक वेव है जिसकी वेवलेंथ को हम कह सकते हैं कि ये 1.5 लैम्डा है। अगर ये दोनों वेव बिल्कुल साइमल्टेनियसली ही मूव करें और हमें ये मालूम करना हो कि आया कि एक वेव दूसरी वेव से कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है, वो उससे कितना आगे जा रही है या कितना पीछे जा रही है, उनके रास्ते में कितना फर्क है, उनकी वेव के प्रोड्यूस होने में एक वेव में कितना हिस्सा ज़्यादा आ रहा है और दूसरी वेव में कितना हिस्सा कम आ रहा है, ये मालूम करने के लिए हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि उनका पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर मुझे वेव ए और वेव बी का पाथ डिफरेंस निकालना हो तो सिंपल इज दैट कि मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगी, इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ का, 1 लैम्डा माइनस 1.5 लैम्डा, तो ये माइनस 0.5 आएगा, माइनस को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं और हमारे पास आंसर जो है वो 0.5 लैम्डा है। इसका मतलब आया कि एक वेव दूसरी वेव से इतना हिस्सा ज्यादा है कि या तो उसमें एक क्रस्ट ज्यादा बन रहा है या उसमें एक ट्रफ ज्यादा बन रहा है, ये हमें नहीं मालूम होता। अक्सर मालूम भी होता है कि ट्रफ बन रहा है या क्रस्ट बन रहा है, लेकिन हम पाथ डिफरेंस इसी तरीके से निकालते हैं कि या तो एक क्रस्ट ज्यादा होगा या एक ट्रफ ज्यादा होगा। और दूसरी बात ये कि पिछले कुछ लेक्चर्स में, पीछे जो वीडियोस हम लोगों ने बनाई थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव की जो बात की गई थी तो हमने कहा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव में जो पाथ डिफरेंस है वो हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होता है, मतलब एक कंप्लीट वेवलेंथ का डिफरेंस निकलता है, ये नहीं होता कि 1.5, 2.5 इस तरह से नहीं आता। लेकिन जब हम डिस्ट्रक्टिव की बात करें, ये हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव की बात करें, तो इसमें हमारे पास 0 भी हो सकता है, कोई भी वेव नहीं आ सकती, या इसमें हमारे पास 3 लैम्डा बाय 2 इस तरह से भी आ सकती है, यानी कि पॉइंट्स में हमारे पास वेव आ सकती हैं। तो जब पाथ डिफरेंस निकालते हैं हमें एक तो ये मालूम हो जाता है कि एक वेव दूसरी वेव से कितने फासले पर है, दूसरा हमें ये भी मालूम हो जाता है कि अगर वो इंटरफेरेंस में हो रही है तो आया कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अगर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो तो हमें कंप्लीट वेवलेंथ का डिफरेंस मिलता है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, जैसे कि इस एग्जांपल में है 0.5 मतलब लैम्डा बाय 2 की वेवलेंथ बन रही है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इस फिनोमिना में आखिर हो क्या रहा है। जैसे कि इस फिनोमिना में देखा जाए कि जब हम लोगों ने दोनों ट्यूनिंग फॉक को हिट किया था तो दोनों ट्यूनिंग फॉक को जब डिफरेंट टाइप के ऊपर एक ही साथ हिट किया गया तो ट्यूनिंग फॉक ए ने 4 वाइब्रेशन दी और ट्यूनिंग फॉक बी ने इस तरह की 3.5, 7 इस रेंज में वाइब्रेशन दी। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूँ तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कि आया कि इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव। चले करके देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रही है या डिस्ट्रक्टिव। अब हम लोग ये करते हैं कि ट्यूनिंग फॉक ए माइनस ट्यूनिंग फॉक बी, ए में जब हमारा टाइम पीरियड 0 था और बी का भी 0 तो कोई वेव नहीं बनी, 0 वाइब्रेशन आई, और जब हमारे बी की 4 वाइब्रेशन आई है तो उस वक्त 3 जो बी है उसकी 3.5 वाइब्रेशन आई है, तो इनका जो डिफरेंस है वो 0.5 निकलता है, यानी कि इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, लैम्डा बाय 2 लिख दूँ या 0.5 लैम्डा लिख लूँ आसानी के लिए, दोनों ही बराबर हैं। और अगर दूसरे सेकंड की बात की जाए, दूसरे लम्हे की, तो उसमें इस ट्यूनिंग फॉक ए ने मुझे 8 वाइब्रेशन दी जबकि ट्यूनिंग फॉक बी ने हमें 7 वाइब्रेशन दी, तो इनका डिफरेंस एक कम्प्लीट वेवलेंथ आ जाता है, जैसे कि 1 लैम्डा लिख सकते हैं। और अगले सेकंड में देखा जाए, जब 3 सेकंड हो गए तो हमें ट्यूनिंग फॉक ए ने 12 वाइब्रेशन दी और उसी लम्हे ट्यूनिंग फॉक बी ने सिर्फ 11.5 वाइब्रेशन दी,
मीन्स ये कि इनका डिफरेंस जो है वो 0.5 आ गया। इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि ये 0.5 है, और क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड तक काम किया है तो चौथे सेकंड में ट्यूनिंग चॉक ए ने हमें 16 वाइब्रेशन दिए और उसी लम्हे ट्यूनिंग चॉक बी ने हमें सिर्फ 15 वाइब्रेशन दिए, मतलब कि इनका फर्क भी 1 लैम्डा आ जाता है। अगर और ये सिलसिला इसी तरह से चलता जाता है, अगर हम टाइम को एक्सटेंड करते गए, हो सकता है आगे जाके कहीं 3 लैम्डा/2 इस तरह की वेवलेंथ आ जाती, 5 लैम्डा/2 इस तरह का डिफरेंस आ जाता, 2 लैम्डा बन जाते, 3 लैम्डा बन जाते, लेकिन हमने आसानी के लिए छोटे पॉइंट्स को कंसिडर किया है। अब देखा जाए तो जीरो का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी है और डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये दोनों में आता है। तो अगर मैं इसे इस तरह से लिख लूँ कि ये हमारे पास जो है, और आपको एक और बात भी पता होनी चाहिए कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव वेव्स बनती है, वो उनका एम्पलीट्यूड हमेशा ज़्यादा होता है, और जो डिस्ट्रक्टिव बनती है उनका इस तरह से आता है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम आता है और कंस्ट्रक्टिव का इस तरह से ज़्यादा, फिर डिस्ट्रक्टिव फिर कंस्ट्रक्टिव इस तरह से ज़्यादा आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसका एम्पलीट्यूड हाई होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के मुकाबले में। तो अगर मैं इसे इस तरह से बताऊं कि जीरो को अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कैटेगरी में रख लूं, तो मेरे पास इस तरह की वेवलेंथ आएंगी कि इस तरह से ये ज़्यादा आ गया, और उसके बाद 0.5, इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यूँ छोटे एम्पलीट्यूड से मैं बना सकती हूँ इस तरह से, उसके बाद फिर 1 लैम्डा आ गया, इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, फिर एम्पलीट्यूड हाई कर दिया, फिर 0.5 आ गया, इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, हमारे पास एम्पलीट्यूड कम बनना चाहिए। फिर 0.5 के बाद 1 लैम्डा आ जाता है कम्प्लीट, इसका मतलब है फिर हमारे पास ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, और इसी तरह से ये सिलसिला कौन चलता रहता है। तो इन दोनों ट्यूनिंग फोक को एक साथ वाइब्रेट करने से हमें ये मालूम हो गया कि इनमें भी इंटरफेरेंस हो रही है, और दोनों तरह से हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी। इस पूरे के पूरे फिनोमिना को जब दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वाली वेव एट अ टाइम एक साथ ही मूव करें, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में मूव करें, सिर्फ फर्क उनकी फ्रिक्वेंसी में हो, तो इसे हम कहते हैं कि ये जो फिनोमिना है जिसमें इस तरह की वेव अमल करें, इस तरह की वेव प्रोड्यूस हो, जिनकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो, बाकी काम बिल्कुल सेम हो, तो इसे हम लोग बीट्स कहते हैं। बीट्स यानी कि ऐसा फिनोमिना जिसमें दो वेव्स बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली बिल्कुल एक साथ ही मूव करें, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क हो, तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं कि ये बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट फिनोमिना है। और बीट फ्रीक्वेंसी को भी हम मालूम कर सकते हैं, यानी कि एक ट्यूनिंग फोक हमारे पास ए था और दूसरा ट्यूनिंग फोक सी था, हम इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस को भी निकाल सकते हैं, और उस डिफरेंस को हम लोग जो है बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूं कि मुझे बीट फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो बीट फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम हो सकती है, ट्यूनिंग फोक ए की फ्रीक्वेंसी माइनस ट्यूनिंग फोक बी की फ्रीक्वेंसी। ट्यूनिंग फोक ए की हमारे पास 256 हर्ट्ज़ थी और ट्यूनिंग फोक बी की हमारे पास 254 हर्ट्ज़ थी, इसका मतलब है जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज़ आ गई। इस तरह से हम बीट फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, और अगर हम लोगों को बीट फ्रीक्वेंसी मालूम हो तो हम इनमें से कोई एक ट्यूनिंग फोक हमें दे दिया जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें ना बताई जाए और एक ही बता दी जाए, तो हम बीट फ्रीक्वेंसी के हद से दूसरे ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो बीट फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकलती है ये कभी भी 10 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल 10, और हमेशा लेस देन 10 होनी चाहिए, लेस देन 10। कभी भी 10 से अगर 10 के इक्वल हो जाए या 10 से ग्रेटर हो जाए हमारी ये वाली बीट फ्रीक्वेंसी, तो हम कभी भी साउंड वेव को डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये हमारे जैसे आप इसे कह दीजिए कि ह्यूमन जो ह्यूमन ईयर है उसमें ये लिमिटेशन है कि वो या तो ऐसी बीट फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर पाएगा जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 से लेस हो, अगर वो 10 या 10 से ग्रेटर हो जाती है तो आप इसे जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ट्यूनिंग बीट फ्रीक्वेंसी को हम बहुत ही जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी के जरिए हम अननोन ट्यूनिंग फोक की जो है फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, हम किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मुख्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जैसे कि आपका वॉयलेंस वगैरह हो गया, कुछ भी आपका गिटार वगैरह हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी में उसकी आवाज़ सही नहीं सुनाई देती, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया जाता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी को जो ट्यून किया जाता है वो भी इसी बीट फ्रीक्वेंसी के जरिए ही हम उसे ट्यून करते हैं। तो इस बीट फ्रीक्वेंसी का जो फिनोमिना है, ये बीट फिनोमिना है, ये हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
तो होप तो हम काफी हद तक आप लोग इसके बारे में समझ चुके होंगे कि बीट फ्रिक्वेंसी है क्या और हम इसे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और डेली लाइफ में जो है इसका इस्तेमाल क्या है। इसे हम लोग मुख्य एग्जाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए, किसी अननोन ट्यूनिंग की फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।